Hello students. Good morning all of you. I hope you all. Welcome back to your online class from our general center. Today we will do exercise of chapter 6, games and fun. First of all, we will do filling the blanks with the help of given word. नंबर वन क्या है हेल्पिंग वर्ड्स कौन कौन से बेटा हमारे बताओ नंबर वन है लेजर नंबर टू एंजॉयमेंट नंबर थ्री गेम्स टीचर और नंबर फोर ब्लड और हमारे फिल्म भी फोर है ना तो नंबर वन है वी नीड सम लेजर सॉरी वी नीड सम डैश टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स ओवर सेल्फ तो हमारे को किसकी आवश्यकता होती है गेम खेलने और आराम करने किसकी आवश्यकता होती है लेजर किसकी होती है लेजर वी नीड सम लेजर टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स फॉर समझ आया नंबर टू टॉक और डैश इज रिक्वायरमेंट फॉर वुड और प्लास्टिक टॉक और क्या बताओ जो लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है क्या है बेटा टॉप और लकड़ी ठीक है नंबर थ्री फाउल प्ले फाउल प्ले रिमूव्स द एंजॉयमेंट फाउल प्ले रिमूव्स द डैश ऑफ गेम जो फाउल प्ले गेम खेलते हैं उससे क्या होता है ना एंजॉयमेंट होता है ना अच्छा इसके बाद नंबर फोर वेयर इज ए डैश इन द स्कूल यहाँ स्कूल में डैश यहाँ स्कूल में कौन होता है जो स्टूडेंट्स को खेल का प्रशिक्षण देता है कौन होता है बेटा देयर इज ए गेम टीचर इन द स्कूल हु गिव्स द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स जो बच्चों को खेल की प्रशिक्षण देता है जैसे कि हमारे स्कूल में भी गेम्स टीचर है ना कौन है टीचर मैम वो बस बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देती है बच्चों को और उनको वो हमारी कोच है तो कोच को ही हम गेम्स टीचर कहते हैं ऐसे ही टेबल टेनिस के भी हमारे कोच है वो गेम्स टीचर है जो बच्चों को टेबल टेनिस की ट्रेनिंग देती है इसके बाद देखिए टिक मार्क द करेक्ट क्वेश्चंस टिक मार्क द करेक्ट क्वेश्चंस व्हिच ऑफ दीस इज एन इंडोर गेम इसमें ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी इनमें से इंडोर गेम कौन सा है क्रिकेट है नो हॉकी है नो चेस है यस चेस इस बार देखिए टिक मार्क लगा इसके बाद विच ऑफ दीज इज ए क्लासरूम गेम इसमें से क्लासरूम गेम कौन सा है बच्चों गोल्फ क्रॉसवर्ड और क्या हमने किस पे लगाया था क्रॉसवर्ड Which of these is a means of recreation? इनमें से recreation का मतलब क्या है? मनोरंजन का साधन क्या है? बताओ। Playing games या watching TV या both? तो अगर हम खेल खेलते हैं तभी हमारा मनोरंजन होता है और TV watch करते हैं तभी मनोरंजन होता है तो इसके अंदर आएगा both। ठीक है बेटा? इसके बाद नंबर फोर है Who works in circus? सर्कस में काम कौन करता है? Acrobat करता है, jugglers करता है या both? Acrobat भी करता है सर्कस में काम, juggler भी करता है। तो हम इसका आंसर क्या राइट करेंगे? Both। तो आज हमने fill in the blanks with the help of you helpers और tick mark कर रहे हैं। ये है और इसके बाद हम करेंगे मेहता और ये देखिए बेटा मैंने बोर्ड पर इसलिए नहीं कर कर लिखा राइटिंग इसलिए नहीं करा आपको सही ढंग से पिक्चर समझ नहीं आ तो मैं आपको उसमें ही क्लियर कर दूँ देखिए ये किसकी पिक्चर है ध्यान से देखो दिखाई दे रहा है आप ही अपनी बुक खोलो देखो मदद जब आता है और समझ में भी तभी आएगा अच्छी तरीके से ये किसकी पिक्चर है चेस चेस की है ना तो इसमें दोनों गेम चेस है क्रिकेट है क्या है ये बैडमिंटन है हॉकी है चेस चेस कौन से नंबर टी पर है ना तो या तो हम इसको वन को बी से मैच करेंगे या इस चेस के पास नंबर वन राइट कर देंगे इसके बाद क्या बैट बैट बॉल कौन सी गेम में होता है क्रिकेट में है ना क्रिकेट है फर्स्ट नंबर पर ये भाई तो हम इस पर सॉरी हाँ
नंबर टू थ्री पर टू पर तो हम बैडमिंटन को बैडमिंटन से मैच करेंगे या यहाँ पर फ्री रैकेट करेंगे। नंबर फोर पर है क्रिकेट बैडमिंटन और नंबर थ्री पर हॉकी, तो हम नंबर फोर को नंबर सी से मैच करेंगे या फिर हॉकी के पास फोर रैकेट करेंगे। तो बच्चों आज मेरे मैंने आपकी चैप्टर सिक्स की एक्सरसाइज बाय वीडियो आपको समझाई है। आपने वीडियो वॉच करते समय अपनी वीडियो टेकआउट करनी है, बुक खोलनी है, तब आपने वीडियो वॉच करनी है, आपको तभी समझ में आएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ जिससे कि आपको समझ। फिर भी यदि हो सकता है अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।